अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हाँ जी, आ चुके हैं वापस। तो सीन ऐसा है कि भाई आपका भाई पहुँच गया था दुबई। दुबई पहुँचने के बाद मुझे हो गए 2-3 दिन हो गए, आई थिंक 3 दिन हो गए। और वीडियो मैं इस वजह से नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं बिज़ी था, थोड़े से काम में मसरूफ़ था। पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह वीडियो में बनाता रहूँगा और अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। पहले तो सब्सक्राइब करें, लाइक दबा दें और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा क्योंकि अब वीडियो आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। और आपसे मैंने ये भी कहा था एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे जब था, कि मैं घर पहुंच के सारी सिचुएशन बताऊंगा कि हुआ क्या मेरे साथ इमिग्रेशन में। तो खैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लाजमी अगेन सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक का बटन दबा दिएगा और बेल आइकन तो लाजमी दबाएगा ताकि आने वाली वीडियोस मेरी दिखती रहे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लंबी नहीं करते। हाँ जी, तो सीन ऐसा था कि हम शुरुआत से लेकर स्टोरी चलते हैं। एक स्टोरी समझे आप, आज ये ब्लॉग जो है ये स्टोरी ब्लॉग है। तो ये मेरी स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जो सिचुएशन, तो जो दुबई आना चाह रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम जो आ रहा है, मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो जो फ़र्स्ट टाइम आ रहा है उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है कि भाई अगर आप कराची एयरपोर्ट पे पहुँचते हो तो सबसे पहले वो आपका वीज़ा वगैरह वॉट एवर, ये तो कंपलसरी है, वीज़ा और टिकट लाजमी देखता है। जब आप इमिग्रेशन पे जाते हो, इमिग्रेशन पे वो आपसे पहले एंटर नहीं, सबसे पहले एंटर होते ही लगेज चेकिंग के बाद एक बंदा था एयरपोर्ट का ही, वहाँ पे FIA का, उसने पूछा कि कितने पैसे हैं आपके पास। मैंने कहा पाकिस्तानी मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये हैं। तो उसने कहा कि दुबई के कितने हैं आपके पास, धर्म कितना है। मैंने कहा धर्म होंगे तकरीबन 5 हज़ार। मैंने उससे यही कहा जबकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने कहा चेकिंग करेगा तो देख लेंगे कि भाई क्या मसला है, क्यों चेकिंग कर रहे हो, मेरे मेरे पैसे मेरे पास हों या ना हो। खैर किसके पास जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, मेरे बहनों ही भी वहीं रहते हैं। अच्छा जी, उनका एमिरेट्स ID दो फिर आपको अंदर जाने देंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मेरे पास वीज़ा है, टिकट है, एमिरेट्स ID किस चीज़ के लिए मैं दूँ। वीज़ा लग गया, मैंने पैसे दिए हैं, वीज़ा तभी लगा ना। और अगर मेरा कोई मसला होता तो ये वीज़ा नहीं लगता, अगर मैं इलीगल बंदा होता। कहने लगे नहीं, आप हमें एमिरेट्स ID दो जिसके पास जा रहे हो, बहन के पास या बहनोई के पास, फिर हम आपको रिलीज़ करेंगे यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। मैंने बहनोई को फ़ौरन बॉटाइम पे कॉल की कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, आपका मुझे एमिरेट्स ID चाहिए होगी। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने फ़ौरन दे दी। मैंने एमिरेट्स ID दिखाई कि ये देखो भाई मेरा बहनोई का एमिरेट्स ID कार्ड ये रहा। उसने देखा, चलता बना। फिर बोर्डिंग पास के लिए मैं गया, चेक इन वगैरह हो गया, सारा सामान लगेज चला गया। बोर्डिंग पास के लिए जब मैं खड़ा हुआ तो PIA की फ़्लाइट थी मेरी। और खैर मैं बोर्डिंग पास के लिए गया तो उसने भी कहा कि एमिरेट्स ID दो। मैंने कहा भाई मैंने ऑन ऑन द बोर्ड का स्टैम्प तक लगा के दिया है कि भाई आप बोर्ड कर सकते हो, एमिरेट्स ID क्यों। तो बहस करना शुरू हो गया कि नहीं साइड में हो जाओ, लाइन लगी है ये वो। मैंने कहा आप किस तरीके से बात कर रहे हैं भाई, पहले तो ये आप मुझे बताएं। और अगर एमिरेट्स ID नहीं भी है तो मेरा विजिट वीज़ा है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो उसने बोला पैसे कितना है तुम्हारे पास। मैंने उसको भी यही बताया कि भाई 5 हज़ार रुपये धर्म है और 2-3 हज़ार रुपये मेरे पास पाकिस्तानी है। तो उसने कहा नहीं, आप मुझे एमिरेट्स ID दो किसी के भी जिसके पास जा रहे हो। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, मैंने कहा अजीब फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ क्योंकि भंडा ना हो जाए। तो मैंने उसे बहनोई का फिर से उसको भी एमिरेट्स ID दिखाई, उसको एमिरेट्स ID दिखाई तो उसने कहा ठीक है, बोर्डिंग दिया। फिर मैंने उससे कहा कि भाई आप मेरी विंडो सीट करो PIA की। उसने गुस्से में चाचा थे कोई, उसने स्टैम्प मारी ऐसी देरी बोर्डिंग पास निकाल के। मैंने कहा गुड हो गया जी, इसने कुछ बोला भी नहीं। मैंने कहा ओके इट्स ओके फाइन, अगर विंडो सीट नहीं हुई तो क्या हुआ, हम पहुंच जाएं बस, ये खैर खैरियत से PIA की फ़्लाइट है। खैर हम पहुंचे
तो मेरी फ़्लाइट थी 7:30 बजे की शाम की, लेकिन वो फ़्लाइट डिले हो गई। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो तकरीबन मैं पहुंचा था 5:30 या 6 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचा था। जाहिर सी बात है, 3 घंटे पहले करनी होती है आपको चेक इन। तो खैर मैं पहुंच गया, 7:30 की फ़्लाइट थी। वहाँ जाके पता चला कि भाई आपकी फ़्लाइट जो है डिले हो गई है, 10:30 हो गई। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, एयरपोर्ट में ही हूँ, 10:30 से ज़्यादा टाइम नहीं है। 10:30 के बाद फिर डिले हो गई, फिर हुई 12:30, PIA की फ़्लाइट 12:30 हुई। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलता है, खैर है, फर्स्ट टाइम है। एक्साइटमेंट भी थी कि प्लेन में बैठना है, दुबई जा रहा हूँ, नई जगह जा रहा हूँ, तो इतना कोई वो हुआ नहीं। खैर हम बैठ गए, 12:30 बजे हमारी फ़्लाइट उड़ी। और जब मैं, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि मैंने सबसे ही सुना था कि PIA बकवास होती है, ये होती है, वो होती है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, अब बकवास ही सही, अब सीट कौन सी है ये देख लेते हैं। जब PIA में गया, बैठा, मैंने बाहर से देखा, मैंने कहा हाँ नॉर्मल PIA ही है। जब अंदर गया, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, एक फ्रेश फीलिंग आ रही थी। मैं ये कहूँगा कि नया प्लेन था, फ्रेश फीलिंग आ रही थी, कोई चीज़ फटी भी नहीं थी या कोई लिख के नहीं गया हुआ था। मैं इस पे बोलूँगा भले डिले किया फ्लाइट, लेकिन फ्लाइट वॉज सो गुड, स्मेल वॉज गुड, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। खाना भी, एक चावल थे, वीडियो में आपने देखा होगा, चावल थे, खिचड़ी नुमा सादे चावल थे वो, और चिकन की करी थी। लेकिन जो शीर कोरमा था ना, वो जेली टाइप बना हुआ था, मैंने खाना मुनासिब नहीं समझा। एक चम्मच लिया, दूसरा चम्मच लिया, फिर मैंने रख दिया, मैंने कहा नहीं भाई रख दो। खैर हम आए, फिर यहाँ पे उतरा, उतरने के बाद फर्स्ट टाइम था, मैं डर रहा था कि क्या होगा। खैर मैं निकला, जैसे तैसे आया इमिग्रेशन पर, आया इमिग्रेशन वालों ने विजिट सिम दी दुबई की, वो मैंने ली, लगाई इसमें। फिर बहनों ही बाहर वेट कर रहे थे, उनके पास गया, सलाम दुआ करी, फिर घर आया। घर आके फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं घर जाके आपसे बात करता हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं निकला हुआ था कराची का 5 बजे में एयरपोर्ट पे था, 5 बजे का निकला हुआ, और रात के तकरीबन तकरीबन रात के पाकिस्तानी 3 बजे मैं वहाँ पहुँचा। तो मेरी हालत थी बिल्कुल पैक, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैंने चेंज वेंज किया, फ्रेश वगैरह हुआ और गायब आपका भाई। फिर कल से, नेक्स्ट डे से फिर वही हुआ कि इधर जाओ उधर जाओ, मीटिंग वगैरह थी, एक दो लोगों से मिलना भी था, उनसे भी मिला, और जॉब के सिलसिले में मैं आया था तो थोड़ा बाउंड था सबसे बात वगैरह करना। खैर ये सारी सिचुएशन थी। और 2 दिन से मैं जॉब हंटिंग के लिए, एक दिन कल, हाँ कल निकला था मैं जॉब हंटिंग के लिए, CVs लेकर, बैग लेकर, ये सारी सिचुएशन थी। खैर आपकी नज़र में दुबई में कोई है या सेटल है, माशाल्लाह कोई कंपनी रन कर रहा है, तो अगर हो सके तो भाई को याद कर लिएगा और जॉब दिलवा दिएगा। जॉब अगर कोई आपकी सोर्स है तो आप उससे बात करें, मुझे जॉब की नीड है। तो खैर क्योंकि मैं इकलौता हूँ और पेरेंट्स का सपोर्ट करना मेरा ही है, मैं ही संभालूंगा। पाकिस्तान के हालात आपकी नज़र में पता होंगे कि क्या चल रहे हैं, पेट्रोल 332 रुपये लीटर हो गया। खैर मैं दुबई पहुंचा तो मुझे लिटरली बहुत अच्छा फील हुआ। जब मैं पहुंचा ना, उफ, गर्मी, कराची गर्मी में बहुत बेहतर है, कुछ भी नहीं है कराची में गर्मी, दुबई में गर्मी उफ। खैर मैं बर्दाश्त किया, लेकिन आज 2 दिन से, कल से मेरे ख्याल से, कल से मौसम थोड़ा बेहतर है, क्योंकि अभी सर्दियां आने वाली हैं तो थोड़ा बेहतर है। आज भी थोड़ा बेहतर है, वो कोर्ट में हमारा बच्चा खेल रहा है, वो भी मैं अगर आपको दिखाता हूँ। खैर अभी जॉब हंटिंग के लिए निकले हुए हैं, अभी नहीं, अभी तो मैं घर पे ही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपका भाई रेस्ट मांगता है। तो जॉब हंटिंग के लिए निकलेंगे, अभी मैं हूँ दुबई साउथ में और मुझे जाना है शहर, समझो अभी हैदराबाद में हूँ मैं, कराची जाना है मुझे।
ये वाला सीन है। तो देखें मेरे बहनोई छोड़ेंगे मेरे कज़न के पास, कज़न रहता है अपना बैचलर्स रूम्स में, तो बैचलर रूम में हम रहेंगे, आपका भाई भी रहेगा, तो वहाँ की भी लाइफ दिखाएंगे कि कैसे रहते हैं क्या है। वो बता रहा था कि एक रूम में 11 बंदे रहते हैं, 11 बंदे, एक वॉशरूम, एक रूम और 11 बंदे, सोचें मुझे मिला के 12 हो जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है क्या है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये सारी सिचुएशन। फूड कोर्ट कह रहे हैं यार, खाना खा खा के फूड कोर्ट चढ़ गया। मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा एनवायरनमेंट जो मेरे सामने है। कैमरे में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आपके भाई सस्ता बंदा है, चाइना का मोबाइल है, नया मोबाइल ले ही नहीं सकता। खैर आपको दिखाता है एनवायरनमेंट दुबई का। हाँ जी, तो भाई आपका भाई यहाँ वॉक करता हुआ बात कर रहा था। ये टेनिस कोर्ट है, यहाँ से आगे चलें ये बेंगलोज हैं सारे। हमारा फ्लैट उस तरफ है, घर भी जाना है। देखो मैं भूल गया, ये बास्केटबॉल कोर्ट है और ये सारा बिल्कुल चिल माहौल है भाई, बिल्कुल चिल। मतलब कोई डर नहीं, कुछ नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है। मैं नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। कराची वाला माहौल नहीं है कि कोई आ जाएगा भाई लोग और बोलेगा निकालो। ये देखिए हमारे, हमारा बच्चा कहाँ है भाई, हमारा बच्चा कहाँ है भाई, वो रहा हमारा बच्चा, दिख गया, दिखाता हूँ। ये देखिए माहौल, देखें आप, हाय हाय हाय, यहाँ मैं फिदा हो गया था भाई। सी, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, वो हमारा बच्चा। सी, सारे बच्चे खेल रहे हैं अंदर। माहिद 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 माहिद, ओके, वो रहा माहिद हमारा, वो ये रहा, ये रहा माहिद, ये रहा, ये वाइट वाली बॉल जिसके पास है, ये रहा। अरे भैया वीडियो बंद हो गई थी हमसे। और यहाँ गाड़ियाँ, ओह ये देख रहे हो रेंज ओवर, ये अभी गाड़ियाँ तो आपको दिखाता हूँ, मस्त मस्त गाड़ियाँ। ये खाली प्लॉट है, ये अभी बनेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आएंगे, अभी ये सारे प्रोजेक्ट्स नए बने और ये सारी सिचुएशन है। ये देख रहे हैं बिल्कुल VIP भाई, VIP, कोई टीपा टीपा नहीं, सब अपनी लाइन में जा रहे हैं, सुकून से जा रहे हैं। कराची में ये सारी सिचुएशन आ जाए ना तो क्या ही बात है, क्या ही बात है, कराची में ऐसी सिचुएशन आ जाए। पाकिस्तान कुछ करो, ऐसा एनवायरनमेंट लेकर आओ कि मैं जैसा भी यहाँ घूम रहा हूँ सुकून से वैसे घूम सकूँ। कहीं ये यहाँ ये डर तो नहीं है कि भाई आ जाएगा गन लेकर, भाई बोलेगा कि भाई मोबाइल और जो भी है दे दो। नहीं भाई, सुकून सुकून, वल्ला हबीबी देख रहे हो, साफ सुथरे, कहीं पीक नहीं पड़ी हुई, पानी नहीं दिखेगा आपको, दिखेगा ही नहीं पानी, कहीं दिख रहा है पानी, दिख रहा है कहीं, साफ सुथरी चिकनी रोड है। आए हाय 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 हाय, ये बैंगलोर सारे बने हुए हैं इस तरफ और इस तरफ सारे फ्लैट्स हैं। देख रहे हैं आप इनकी, ये हर दफ़ा कटिंग होती है, ये लेवल होती है सारी, मेंटेनेंस है। डॉग देखो आया डॉग, सी वाओ नाइस, हियर इज द डॉग। मैं डॉग से डरता हूँ लेकिन सी वाओ नाइस। अबे भाई आपके भाई की फटती है वो भी देख रहा है, मुझे हद हो गई वो जा रहा। मतलब कहने का मकसद ये है, सब अपने अपने उससे अपने काम से काम, कोई
तू तड़ाक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गाली की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं। यहाँ पे रूल्स हैं, यहाँ पे अगर पाकिस्तान में अगर रूल्स आ जाएं तो क्या ही बात है। यहाँ रूल्स हैं, आप देखो गाड़ियाँ देखो कैसे खड़ी हुई हैं, अपनी लाइन में खड़ी हुई हैं, कि आगे पीछे कहीं नहीं, टेढ़ी मेढ़ी कोई गाड़ी आपको नज़र नहीं आएगी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हुई। सीखो पाकिस्तान वालों, मैं बुराई नहीं करूँगा क्योंकि मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जो माहौल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं बस आप लोग को दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में, हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आप लोग चेंज हो, हमें चेंज होने की ज़रूरत है, लेकिन हम वही हड़ा राम पीक मारने वाले। सिगरेट पीता हूँ मैं, नो डाउट, मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ पे सिगरेट नहीं पी रहा, सिगरेट पीता हूँ, लेकिन डस्टबिन है भाई यहाँ पे, आपको उसी में सिगरेट फेंकनी है। रोड पे फेंकोगे चलान है, सीधा सीधा 100 धरम का फाइन है, ये सीन है। अगर यही यही फाइन हमारे पाकिस्तान में लगना शुरू हो गए तो कोई भी आपका पीक नहीं फेंकेगा, कोई भी कोई गंदगी नहीं करेगा, साफ सुथरी देगा। अजानें हो रही हैं, घर पहुंच के मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? अजानें हो रही हैं, घर पहुंचता हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ तो भाई घर पहुँच गए, अभी गेट खोलते हैं, अंदर जाते हैं। अभी थोड़ा ना हब्स टाइप का है, यहाँ पे बहुत पेन ड्रॉप्स हैं सो आवर लॉबी में, और ये देख रहा कोई भी नहीं। खैर अंदर जाते हैं, ये रहा हमारा घर 710। जी ओके, मन्ना जी कर दिया होगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी वीडियो, और बेल आइकन वाले में दबा दीजिएगा। ताना मम, आर यू टेकिंग पिक्चर्स? सॉरी, आर यू टेकिंग पिक्चर्स? नो, आई विल टेक अ वीडियो, आई मेक अ वीडियो। ओह, यू टेकिंग योर वीडियो? यस, हाउ आर यू? चीज चीज। Okay, say it, subscribe. Cheese. Say it, subscribe. You made a video? Yes. Mama, do you like this? Cheese. Cheese. Say cheese. Say cheese. Say cheese. Cheese. Okay, say bye-bye. 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 Okay. I love this. Yeah.